हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी अकेडेमिया सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू लिथी केज एंड में प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने पहले एज के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में भी पढ़ चुके हैं इफ़ यू मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो द लिंक अगर आप लोगों ने वो सब वीडियोज मिस किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है उससे जाके आप लोग वो वीडियोज देख सकते हैं इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स द टॉपिक्स वेर गोइंग टू कवर टूडे आर द न्योलिथिक एज इन्वेंशन ऑफ न्योलिथिकिथिक विद द न्योलिथिक एज ये न्योलिथिक एज जो है वो मेसोलिथिक एज के बाद में आता है न्योलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज फूड प्रोड्यूसिंग एज नियोलिथिक ऐज को हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग एज भी कहते हैं इन नॉर्दर्न इंडिया द नियोलिथिक एज इमर्ज अराउंड 8,000 थाउजेंड बी सी टू सिक्स थाउजेंड बी सी ये जो नॉर्दर्न इंडिया में नियोलिथिक ऐज स्टार्ट हुआ था वो 8,000 थाउजेंड बी सी से सिक्स थाउजेंड बी सी में स्टार्ट हुआ था बट इन साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया इट्स एट लेटेस्ट वन थाउजेंड बी सी पर ये जो साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में ये जो स्टार्ट हुआ वो 1000 थाउजेंड बी सी से स्टार्ट हुआ अ पर्सन वी गॉर्डन गोर्ड नियोलिथिक फेस एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन वी गॉर्डन शिल्डे नाम का एक आदमी था उन्होंने नियोलिथिक फेस को नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा था इन नियोलिथिक एज पीपल इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ये जो नियोलिथिक एज था वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बहुत सारे इन्वेंशन कर चुके थे जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो लोग फूड प्रोडक्शन इस एज में ही स्टार्ट किए थे द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन द न्योलिथिक मेन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रीव फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉटस्क्राम ये जो न्योलिथिक मेन थे वो लोग पहले क्या करते थे पहले पेड़ से जो वाइल्ड फ्रूट्स होते थे वही वो लोग खाया करते थे पर इस एज में वो लोग फ्रूट्स एंड कॉर्न कल्टिवेट करके खाने लगे ही डोमेस्टिकेटेड कैटल लाइक शिप एंड गोट इस एज में वो लोग शिप एंड गोट जैसे एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करने लगे थे इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी अब देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में वो लोग क्या क्या इन्वेंशंस किया था

वो लोग तब जो एक्सेस यूज़ करते थे उसके आधार पर जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स है वो तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट जो आता है वो है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दे यूज रेक्टेंगुलर एक्सेस विथ कर्व्ड कटिंग एज ये जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में लोग रहते थे वो लोग जो एक्सेस यूज करते थे वो रेक्टेंगुलर शेप के थे एंड उसके जो एजेस था वो कर्व्ड कटा हुआ था फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जो लोग थे दे यूज पॉलिश स्टोन एक्सेस विथ रेक्टेंगुलर एंड एंड हैज ओकेशनल शोल्डर होल्स ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग रहते थे वो लोग पॉलिश स्टोन नेक्सेस यूज करते थे जिसका एंड रेक्टेंगुलर शेप के था एंड उसके साथ साथ समटाइम्स शोल्डर होल्स भी देखने को मिला साउदर्न एरिया में वी कैन सी दैट दे यूज एक्सेस विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड एड सऊदर्न एरिया में हम लोगों को देखने को मिला वो लोग जो एक्सेस यूज करते थे उसके साइड्स ओवल शेप के थे एंड उसका जो एंड था वो पॉइंटेड किया हुआ था इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इस एज में वो लोग पॉटरी का इन्वेंशन भी किए थे द न्योलिथिक एरा कम्युनिटीज फर्स्ट मेड पॉटरी बाय हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स फील न्योलिथिक एरा में जो पीपल थे वो लोग फर्स्ट टाइम पॉटरी भी बनाने लगे जो कि पहले हाथ से बनाने लगे फिर उसके बाद वो लोग पॉटर्स फील से भी बनाने लगे थे देयर पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर वो लोग जो पॉटरी बनाते थे, थे वो ब्लैक बर्निश्ड के थे ग्रे कलर के थे एंड मैट इंप्रेस्ड वेयर थे तो इस फेज में वो लोग जो पॉटरी बनाते थे, थे वो फर्स्टली हैंड से बनाते थे, थे फिर उसके बाद पॉटर्स व्हील के हेल्प से भी वो लोग बनाने लगे थे इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज इस एज में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पीपल है वो लोग धीरे धीरे सेल्फ सफिशियंट विलेज कम्युनिटीज़ भी डेवलप करने लगे थे इन द लेटर फेजेस दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड अप मड एंड रीड इस एज के जो लास्ट वाले फेजेस है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग जो थे वो लोग सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप के घर में रहते थे जो कि मिट्टी एंड रीट से बना हुआ था इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक घर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है एंड ये रीट से बना हुआ एक घर है दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक बोट्स एंड कुड स्पिन कॉटन एंड ऊल एंड वीव क्लोथ उन लोगों को बोट कैसे बनाते हैं वो भी उन लोगों को पता चला था इस एज में एंड वो लोग कॉटन से थ्रेड एंड ऊल निकालना भी सीख चुके थे जिसके हेल्प से वो लोग क्लोथ्स भी बनाने लगे थे डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर एंड एज तो वो लोग क्या करते थे वो लोग जेंडर एंड एज के हिसाब से उन लोगों को उन लोगों का जो वर्क था वो लोग डिवाइड कर लेते थे एज द सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिंग द नीड फॉर एडिशनल लेबर वॉज रिकोगनाइज एंड दर वोक्योड फ्रॉम अदर नॉन किन ग्रुप्स टू जैसे कि उन लोगों का सोसाइटी प्रोग्रेस करने लगा तो वो लोग क्या करने लगे उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उसके अलावा भी वो लोग लो लेबर्स वो लाने लगे और वो लोग एक साथ प्रोडक्शन करने लगे नियरली थेज में जो इन्वेंशन हुआ था उसका एक समरी है इस पिक्चर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लोग एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए फिर पॉटरी ये पॉट्स बनाने लगे फिर वो लोग लो स्टोन टूल्स भी बनाने लगे कल्टिवेट भी करने लगे बोट की हेल्प से फिशिंग भी कर रहे हैं एंड फायर के हेल्प से वो लोग फूड भी बना रहे हैं अब हम जान लेते हैं कुछ एक्सकेवेटेड इंपॉर्टेंट जो नियोलिथिक साइट्स है उसके बारे में तो फर्स्ट आता है मेहरगढ़ ये जो मेहरगढ़ है ये एक अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है जिसे हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ बलोचिस्तान भी बोलते हैं ये जो बलोचिस्तान है पाकिस्तान में है नेक्स्ट आता है कश्मीर का बुर्जा जो एविडेंसेस हम लोगों को मिला वो मिला यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेप यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर मिला एंड डोमेस्टिकेटेड डॉग्स जो थे वो उसके मास्टर के साथ ही ग्रेव में दिखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में एक और साइट है जिसका नाम है गुफक्राल गुफक्राल में हम लोगों को एविडेंसेस मिला पीटिंग का स्टोन टूल्स का एंड ग्रेवियर लोकेटेड विद इन हाउस होल्ड हाउस होल्ड में ही ग्रेवियर भी हम लोगों को देखने को मिला मस्की ब्रह्मगिरी एंड पिकली हाल हाल से हम लोगों को एविडेंसेस मिला कैटल हार्डरिंग का बूढ़िया हाल से हम लोगों को मेरा फूड प्रिपरेशन एंड फिस्टिंग का एविडेंस एंड टिकला कोटा से जो कि कर्नाटका में है वहाँ से भी हम लोगों को नियोलिथिक साइज के एविडेंसेस मिला गाड़ो हिल्स इन मेघालय चिरान दिन बिहार बिहार में जो चिरान कह के एक जगह है वहाँ से हम लोगों को बोन इम्प्लीमेंट्स के एग्जाम्पल भी मिला फिर आता है बेलन वैली बेलन वैली जो है वो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी है यहाँ से हम लोगों को पॉटरी का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो यहाँ से मिला बेलन वैली एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि नॉर्दर्न स्पर्ट ऑफ इंडियन एंड द मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली में है जहाँ पे हम लोगों को पैलीलिथिक पैलियिेंट के जो तीन फेजेस है वो, उसका एविडेंसेस मिला फिर मेसोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिला एंड नाउ नियोलिथिक सेटलमेंट्स के भी एविडेंसेस हम लोगों को मिला इसके साथ साथ ये जो नियोलिथिक पीरियड का टॉपिक था ये खत्म हो गया सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन चालकोलिथिक एज if you find this video useful please like this video and subscribe my channel for more new updates and see you in my next session thank you for watching